आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद कहानी की घटना न्यूयॉर्क की अंधेरी हवादार सड़क पर घटित होती है, जहां एक सिपाही एक अंधकारपूर्ण दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी को पाता है। गश्त लगाता हुआ सिपाही प्रभावशाली तरीके से सड़क पर चल रहा था। समय रात के लगभग 10 बजे का था, लेकिन वर्षा वाले हवा के ठंडे झोंकों ने सड़कों को खाली व वीरान कर दिया था। एक निश्चित क्षेत्र के बीच रास्ते में सिपाही ने अपनी चाल अचानक धीमी कर दी। अपने मुंह में बिना सुलगी हुई सिगार वाला एक आदमी एक अंधकारपूर्ण हार्डवेयर स्टोर पर झुका हुआ था। जब सिपाही उसके पास पहुंचा, तो उस आदमी ने तेजी से समझाया कि वह वहां अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा है। यह 20 साल पहले किए हुआ एक वादा है। उस आदमी ने कहा कि उस लंबे समय पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जिसका नाम बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट था। सिपाही ने प्रमाणित किया कि उस रेस्टोरेंट को 5 वर्ष पहले तोड़ दिया गया था। दुकान पर उस आदमी ने एक तीली जलाई और अपना सिगार जलाया। उस रोशनी में तेज आंखों वाला एक पीला चौड़ा जबड़ा वाला चेहरा दिखाई दिया और उसकी दाई भौं के पास एक सफ़ेद घाव का निशान था। उसके स्कार्फ में एक बड़ा हीरा भद्दे तरीके से लगा था। उस आदमी ने कहा कि ठीक 20 साल पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी वेल्स के साथ बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट में भोजन किया था। तब वह 18 वर्ष का था, जिमी 20 साल का था। उसने धन कमाने के लिए पश्चिम जाना था, लेकिन कोई जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं धकेल सकता था। वे उस रात सहमत हुए कि वे उस तारीख व समय से ठीक 20 साल बाद वहां पुनः मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी दशा क्या होगी या कितनी दूर से उन्हें आना पड़ेगा। सिपाही ने घटना को बहुत रोचक पाया और उससे पूछा कि क्या उसने अपने मित्र को छोड़ने के बाद उसके बारे में नहीं सुना है। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वास्तव में उन्होंने कुछ समय पत्र व्यवहार किया, लेकिन 1-2 वर्ष बाद उनका संपर्क टूट गया। लेकिन उसे विश्वास था कि जिमी उससे वहां मिलेगा यदि वो जीवित हो, क्योंकि वह संसार में सबसे सच्चा और वफादार लड़का था। इंतजार करने वाले आदमी ने एक सुंदर घड़ी निकाली जिसके डायल पर छोटे छोटे हीरे लगे थे। उसने कहा कि उसने पश्चिम में बहुत धन कमाया है और उसे आशा थी कि जिमी ने उससे आधी ही कमाई की होगी। ठंडी तेज बौछार गिर रही थी और हवा तेजी से चल रही थी और हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर उस आदमी ने, जो अपनी जवानी के मित्र से मिलने के लिए 1000 मील आया था, अपना सिगार पिया और इंतजार किया। 20 मिनट बाद एक लंबे ओवरकोट में एक लंबा आदमी उसके पास आया। उसने संदेहपूर्वक पूछा, क्या तुम बॉब हो? दरवाजे पर वह आदमी चिल्लाया, क्या तुम जिमी वेल्स हो? मेरा सौभाग्य है। नए आगंतुक ने कहा, यह बॉब है। पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? चलो हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसे मैं जानता हूँ और पुराने समय के बारे में देर तक बात करेंगे। दोनों व्यक्ति हाथ में हाथ डाल के सड़क पर चल दिए। विद्युत प्रकाश की चपक में पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए मुड़ा। तुम जिमी वेल्स नहीं हो, उसने तेजी से कहा। तब दूसरे आदमी ने कहा, तुम 10 मिनट से गिरफ्तार हो आकर्षक बॉब। अब हमारे थाने चलने से पहले मुझको तुम्हें एक पत्र देने को कहा गया है। बॉब पत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कांपने लगा। पत्र में लिखा था, बॉब, मैं वादा किए गए स्थान पर समय से पहुंचा था। जब तुमने अपना सिगार जलाने के लिए तीली जलाई, तो मैंने देखा कि यह एक ऐसे आदमी का चेहरा है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। किसी तरह मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया और इस काम को करने के लिए सादा कपड़ों वाला एक सिपाही भेजा, जिमी। आफ्टर 20 ईयर्स कहानी में लेखक ने कर्तव्य परायणता को व्यक्तिगत मित्रता से श्रेष्ठ बताया है एवं संकेत दिया है कि अनुचित तथा गैरकानूनी साधनों को अपनाकर बहुत धनी होने की अपेक्षा ईमानदारी की कमाई से सादा जीवन बिताना बेहतर है। जिमी वेल्स और बॉब घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। जिमी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही था। बॉब महत्वाकांक्षी था जिसने गैरकानूनी तरीके से बहुत धन कमाया। जिमी की कर्तव्य परायणता ने उसे बॉब को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया।